बताएंगे अभी आप लोगों को पूरा डिटेल्स क्या होता है। जैसे अभी मैं आप लोगों ने वीडियो में देखा उसमें टैग है ना, ये एक टैग सिस्टम है। देखिए मेरे हाथ में दो प्रकार का टैग है। मेरे हाथ में एक प्रकार का टैग है, ये रेड है और ये क्या है ग्रीन है, और तीसरे प्रकार का क्या है देखिए पीछे में येलो है। तो हम जानेंगे, सबसे पहले जानेंगे रेड टैग हम यूज कहां पर करते हैं। आप लोगों सबको पता है, फिर भी जब हम कोई भी स्कैफोल्डिंग बना रहे होते हैं, हमारा स्कैफोल्डिंग कंप्लीट नहीं हुआ, अभी जस्ट बना के आधा घंटा हुआ, बनाना शुरू किए हैं, चार वर्टिकल डाले हैं। सबसे पहले जब हम स्कैफोल्डिंग बनाना शुरू करेंगे, जहां वर्टिकल हम डाल दिए, सबसे पहले हमारा काम है रेड टैग लगा देना। रेड टैग लगाने का मतलब क्या है कि ये स्कैफोल्डिंग अभी इनकम्प्लीट है, डू नॉट यूज, इसको यूज नहीं कर सकते। इस पे वही आदमी जाएगा जो स्कैफोल्डर इस पे काम कर रहा है। इवन दूसरे स्कैफोल्डर को, दूसरे टीम को जो दूसरे साइड से आते हैं, उनको भी परमिशन नहीं है उस स्कैफोल्डिंग पे चढ़ के काम करने का। सिर्फ जो लोग मॉर्निंग में स्कैफोल्डिंग बनाना शुरू किए हैं उनको ही परमिशन है। रेड टैग का मतलब है किसी भी स्कैफोल्डिंग पे रेड टैग अगर लगा है तो उस पे हमको नहीं जाना है। हम एक सिंपली उदाहरण जानेंगे, हम इंसान है, अगर हमको कहीं दिखता है रेड क्रॉस, देखे है ना रेड क्रॉस लिखा रहता है, लिखा रहता है डेंजर, हम क्या करते हैं? कई बार आप रोड में जाएंगे, जंगल में, आपको लिखेंगे रोड आगे ना जाए, क्यों? आगे खतरा है। उसी तरह इसका ये चिन्ह है कि इसका फोल्डिंग पे ना चले, ये खतरा इसका फोल्डिंग, ठीक है। उसके बाद ये है ग्रीन टैग। ग्रीन टैग को हम यूज कब करते हैं? जब हमारा स्कैफोल्डिंग इरेक्शन कंप्लीट हो जाता है, हम जब स्कैफोल्डिंग जब बना लेते हैं, उसके बाद हम काम करने के लिए स्कैफोल्डिंग पे रेडी होते हैं, तो उसका हम परीक्षण करवाते हैं। जैसे वीडियो में आपने देखा था, वीडियो में बोले स्कैफोल्डिंग बनाने के बाद परीक्षण करना। परीक्षण कौन करेगा? जो कॉम्पिटेंट पर्सन है, जो जिसको जानकारी है, जैसे आपके सेफ्टी ऑफिसर हो गए, आपके इंजीनियर हो गए, या आप में से जो ट्रेनिंग लिया हुआ, जिसको जानकारी है, जो टैग लगाता है, वो इस टैग को, ग्रीन टैग को लगाइए। ग्रीन टैग को लगाने का एक बहुत बड़ा रिस्पॉन्सिबिलिटी होता है कि अगर आपने ग्रीन टैग लगाया है, मैंने यहाँ पर साइन किया है, साइन करने के बाद उस स्कैफोल्डिंग का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरा हो जाता है। ये टैग साइन करने का मतलब यही है कि आपने हर एक चीज स्कैफोल्डिंग का टैग चेक किया है और चेक करके आपने लगाया है। ये टैग हर कोई नहीं लगा सकता है, जिसको जानकारी है वही टैग लगाएगा, जिसको जानकारी नहीं है वो टैग नहीं लगाएगा। कभी भी स्कैफोल्डिंग पे काम करते समय अगर आपको ग्रीन टैग दिखे तो ही काम कीजिए, अगर आपको रेड टैग दिखे तो, यदि आपको रेड टैग है तो अपने सुपरवाइजर से आप कॉन्टेक्ट कीजिए कि हाँ, ऐसा नहीं कि काम भी नहीं करना भाग जाना है। रेड टैग है तो अपने सुपरवाइजर से, आपके जो सेफ्टी ऑफिसर से कॉन्टेक्ट कीजिए, इसमें रेड टैग है सर, इसको स्कैफोल्डिंग को चेक कीजिए, हमको इस पे काम करके जाके ग्राइंडिंग करना है या वेल्डिंग करना है, क्या हम इस पे काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते, ठीक है। अब देखिए पीछे में हमारे इसमें येलो है, ये किस लिए दिया हुआ येलो? हम क्या करते हैं, एक बार टैग लगा के हम छोड़ देते हैं। येलो के पीछे में इतना सारा कॉलम क्यों दिया है कि जब हम एक बार टैग लगा दिए तो उसको हर एवरी 7 डे में उसको यहाँ पर रिन्यूअल करना है, उसको यहाँ पर हर 7 डे में रिन्यूअल करना है। स्कैफोल्डिंग का जो चेकलिस्ट होता है, स्कैफोल्डिंग का इंस्पेक्शन होता है, वो हर 7 डे में होता है। अब एक क्वेश्चन आता है कि इसमें मैंने दोनों बता दिया, एक है आप लोग को माइंड में होगा येलो टैग, येलो टैग का हम यूज कहां पर करते हैं? येलो टैग जो होता है वो क्या होता है, एक स्कैफोल्डिंग जब बना हुआ है उसको मैंने जाके देखा, उसमें कुछ हमको मॉडिफिकेशन करवाना है, उसमें हम बोले थे कल हैंडल मारा हुआ था, आज जाके देखे तो कोई हैंडल खोल दिया उसमें, तो उसमें हम क्या करेंगे, ये हम जब हम हैंडल लगाने जाएंगे तो क्या करेंगे, इसको हम इसको येलो कर देंगे। येलो का मतलब होता है कि स्कैफोल्डिंग अंडर प्रोग्रेस है, इसमें कुछ मॉडिफिकेशन चल रहा है या इसमें कुछ समय के लिए काम चल रहा है, उस वक्त भी आपको नहीं जाना है, आपको सिर्फ यूज करना है, सिर्फ जाना है सिर्फ ग्रीन टैग पे। क्लियर है? टैग का सिस्टम यहाँ क्लियर है?